रायबरेली के पछरावा में दो गांवों को प्रशासन की तरफ से हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। तबलीगी जमात में शामिल होने की वजह से रसूलपुर और थुलेंडी गांव में कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। वहीं जांच के दौरान जमातियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से प्रशासन ने इन दोनों गांवों को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील कर दिया। खास बात यह है कि जिन जमातियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनसे जुड़ी एक खबर को हमारे चैनल लाइव 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसकी वजह से अब कुछ अराजक तत्व इस खबर की कवरेज करने वाले हमारे संवाददाता दीप चंद्र मिश्रा को फोन करके धमकी दे रहे हैं। देख रहे हैं इस वक्त मौजूद है जनपद रायबरेली के पछरावा विकास खंड के रसूलपुर गांव में, जहां देख सकते हैं रसूलपुर का मुख्य द्वार है और इसको पूरी तरह सील कर दिया गया है। रसूलपुर हॉटस्पॉट जोन घोषित कर दिया गया है। उसका कारण है तबलीगी जमात से जुड़े लोग। पूरा पछरावा सामान्य था, पूरा जनपद सामान्य था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लॉकडाउन समाप्त होने की कंडीशन में सूरत हाल कुछ साफ साफ अच्छे दिखने लगे थे, लेकिन कुछ जमातियों ने आकर के हमारा पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बात करता हूँ यहाँ के स्थानीय निवासी से, क्या कहना है इनका, क्या नाम है वैसे आपका? संतोष शर्मा। संतोष जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन समाप्त होने वाला है, क्या आपको लगता है लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा? लोग इस पे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, घूमते हैं बिना वजह, इसलिए ये अभी तो नहीं लगता है। अगर लोग अपने घर पे रहें, घूमें ना, तो एक दूसरे संक्रमण नहीं फैलेगा, तो लॉकडाउन जल्दी समाप्त होगा। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका गांव हॉटस्पॉट है। हाँ, हॉटस्पॉट का मतलब ये होता है कि हर आदमी, हर इंसान घर पे रहेगा, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल कोई आवाजाही नहीं होगी। सर, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हो रही, कौन कौन लोग बाहर निकल रहे हैं? लगभग लोग जो जानवर वानवर लेके निकलते हैं, ऐसे भी लोग घूमते रहते हैं, कुछ लोग गाँव के हैं, बाकी लोग मानते हैं घरों से निकलते नहीं है। जो समझदार व्यक्ति हैं वो कतई ही नहीं निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग हैं जो दिन भर केवल उनका काम ही है कि इधर उधर। मैं रोकूंगा आपको, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, कैसे स्थिति कैसे बिगड़ गई? ये जमातियों के द्वारा। मेरे गांव में भी दो लोग हैं जो कि केवल जमाती हैं, नहीं तो मेरा गांव इस तरह के आज हॉटस्पॉट ना हुआ होता, लेकिन सिर्फ जमातियों की वजह से आज हॉटस्पॉट रसूलपुर घोषित हुआ है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखा आपने, सुना आपने, यहाँ के स्थानीय निवासी सम्मानित व्यक्ति हैं संतोष कुमार जी, इनका कहना है कि सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ जमातियों के आने के कारण इनका गांव सील कर दिया गया। अब गांव सील हो गया है तो समस्याएं भी तमाम तरह की आ रही, ना तो दवा मिल पा रही, ना कहीं जा पा रहे, ना कहीं आ पा रहे, और ना तो इनके पास अपनी दुकान भी है, फोटो स्टूडियो भी है, जिनका जिनसे इनका खर्चा चलता था, जिनसे इनकी जो है आमदनी है, इनका परिवार चलता है। अब बताइए कि जब सूरत हाल ये होगा तो आदमी कमा कहाँ पाएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। कैमरा पर्सन संजय के साथ दीपक मिश्रा, लाइव 24 रायबरेली।